तो माय ब्यूटीफुल सोल वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उस सेपरेशन चल रहा है उस पर रीडिंग देखेंगे आपके पार्टनर से कब तक, तक, तक आपके कॉल मैसेज पे बात हो सकती है ये एक जर्नल रीडिंग होगी ओके और एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे आप मैरिड हैं सिंगल हैं रिलेशनशिप में आप जिस जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं किसी के कॉल और मैसेज का आपको वेट है किसी के साथ आपका रीयूनियन करना चाहते हैं वो सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं ओके okay? तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं सभी जोडिक साइन के लिए और सभी के लिए तो ये रीडिंग होने ही वाली है तो जब तक हम कार्ड चप्पल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है ओके okay? नेगेटिव कभी नहीं होना है ऊपर वाला जल्दी ही सभी का री यूनियन करवाए जो मैरिड हैं जल्दी उनके पार्टनर के साथ उनका री यूनियन हो जाए दोनों एक साथ रहने लगे जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी फटाफट से शादी हो जाए थर्ड पार्टी और नेगेटिविटी हमेशा के लिए सभी की लाइफ से दूर चली जाए जिनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं शादी के लिए उनके फैमिलीज़ मान जाए और उनके पार्टनर से उनकी शादी करा दे जिनके पास जॉब नहीं ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे और जो लोग बीमार हैं ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे ओके चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ओके, इलेवन ऑफ मून टेन ऑफ वर्ल्ड टेन एंड इलेवन ओके आपको डबल वन डबल वन ट्रिपल वन या टेन टेन इस तरीके के एंडल नंबर्स दिख सकते हैं ओके थ्री ऑफ वर्ल्ड किसी ने तो कुछ ग्रे कलर का पेन रखा है या ब्राइट वाइट कलर का कुछ है ओके okay. यहाँ पर है सेवन ऑफ सेवन ऑफ सन ओके हम प्रिंस ओके काफ़ी टचन में रहते होंगे आपके पार्टनर अब वो चाहे कैसे भी हो दिखने में या फिर उनकी पर्सनालिटी कैसी भी हो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे मानना अपने आप को बहुत कुछ समझना आ, भले से वो कुछ है या नहीं आ, वो अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन वो घमंड बहुत करते हैं अपने आप में और उन्हें लगता भी है कि उन्हें सब ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो कोई प्रिंस हो या प्रिंसेस हो सेवन ऑफ स्टार ओके फॉर्चून्स व्हील ओके टेन ऑफ वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ओके जजमेंट वाह फॉर्चुन व्हील एंड जजमेंट दोनों साथ में आए हैं वो भी टू ऑफ वर्ल्ड एंड टेन ऑफ वर्ल्ड के साथ ब्यूटीफुल है वन वन ओके, के साथ, ओके। हम्म। अगर आपके पार्टनर किसी बहुत सारे लोगों की बहकावे में थे खुद डिसीजन नहीं लेते थे दूसरों की बात ज्यादा मानते थे इस रिलेशनशिप में भी उन्होंने दूसरों को इतना हक दिया कि जो दूसरों ने कहा वही उन्होंने किया बहुत सारे ऑप्शंस थे बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे वो उन सबसे निकल कर खुद का दिमाग लगाएंगे आप खुद का दिमाग मतलब आपकी तरफ आने के लिए डिसीजन लेंगे फोर ऑफ़ सन गाइज एनर्जीज इतनी प्यारी आई है ना आने का आपको देखना चाहिए यहाँ पे कार्ड्स एक मिनट ओके यहाँ पे देखिए प्रिंस के साथ आया है फोर ऑफ़ फोर ऑफ़ सन कार्ड को थोड़ा ठीक कर देती हूँ जिससे कि आपको दिखें कार्ड्स ओके Okay, so, हुँ, हुँ, में देखे क्या है The star. आपके इस रिश्ते में वापिस चमक और रौनक लौट कर वापिस आने वाली है जितना एक दूसरे के टाइम आप साथ आप दोनों तो इन्जॉय करते थे ना वो टाइम बहुत जल्दी वापिस आने वाला है कि आप दोनों साथ हो जाएंगे लाइफ को एक साथ इंजॉय करेंगे और जो मैरिड हैं जल्दी तो हो जाएंगे एक और आपके पार्टनर देख रहे हैं आप ये एंजल है ये बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं आगे द स्टार्ट नए से शुरू होगा पूरा रिश्ता जिस तरीके से आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर का कि वो जल्दी आ जाएं इस रिलेशनशिप में एक्शन लें कॉल मैसेज ही कर दें एटलीस्ट अनब्लॉक कर दें तो वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं ओके ओके आपके पार्टनर ना रिलीजियस हो रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है उनकी लाइफ में क्या हुआ है ये तो नहीं है अभी पता चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए वो गॉड से प्रे कर रहे हैं वो रिलीजियस नहीं होंगे आपको लगेगा नहीं वो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया वो किस तरीके से मुझे मांग सकता है ऊपर वाले से लेकिन सॉरी फील कर रहे हैं वो उन्होंने जो भी बिहेव आपके साथ किया है ब्लॉक कर देना आपने मैसेज और कॉल करने की बात की उनसे और उन्होंने एकदम से दूरी बना ली और वो आपको बोल दिया कि आगे बढ़ जाओ मेरा इंतजार मत करना कुछ इस, कुछ भी नेगेटिव था काफी ज्यादा बोल दिया आपको अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ़ वर्ल्ड जो कमिटमेंट आप दोनों के बीच में बात हुई थी जो कमिटमेंट दिए गए थे एक दूसरे को यहाँ कोई थ्री सिक्स नाइन वाली टेक्निक या फिर कुछ ट्रिपल वन ट्रिपल फाइव ट्रिपल थ्री वाली जो टेक्निक्स है ट्रिपल टू वाली जो टेक्निक्स है वो यूज़ कर रहा है लॉ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आप लोग कर रहे हो ठीक है यूज़ और चैंट कर रहे हो किसी मंत्र का हुं? आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में जो शादी को लेकर बात हुई थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो सॉरी फील करें अगर उन्होंने शादी की बात करके आप किसी के साथ दूरियाँ बना ली थी इंगेजमेंट कर ली थी और फिर पीछे हट गए थे इस सब चीज़ का उनको गिल्ट है कहीं ना कहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो इसी सब चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ वर्ल्ड आप दोनों के एक होने का ये कार्ड बहुत जल्दी आ गया यहाँ पर आना था लेकिन बड़ी जल्दी एनजोस ने दी है कार्ड टेन ऑफ वर्ल्ड आप टेन ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं ना शादी का कार्ड होता है वो और यहाँ पर टू ऑफ टू ऑफ वॉन्ट्स टू ऑफ कप्स जो प्यार की एनर्जी होती है जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर इतने ज़्यादा गिल्ट में आ जाएंगे जो भी थर्ड पार्टी है उसे खुद अपने आप से वो हटा देंगे आप दोनों के रास्ते से मुझे लग रहा है उन दोनों के अंदर कुछ ब्लेम गेम चल रहा है वो अपने पार्ट आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को कुछ बोल रहे हैं थर्ड पार्टी पार्ट पार्ट कुछ और बोल रही है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखती है कंट्रोल करके रखती है कुछ इस तरीके की एनर्जी एनर्जीज उन दोनों में आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहे हैं और उस उस समय पे आपके पार्टनर ना आपको आपको मिस करेंगे और आपको मिस कर रहे हैं वो आपसे मिलने की बात करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास टू ऑफ वर्ल्ड तो है यहाँ पर हमारे पास सेवन सेवन ऑफ सन है जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी दरार आ गई थी इस रिश्ते के अंदर बहुत बहुत प्यारा सा रिश्ता था बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया थर्ड पार्टी आ गई जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वैसे ये रिश्ता नेगेटिव होता गया जब तक ये रिश्ता छुपा हुआ था लोगों से तब तक तो ये सही था लोगों की नज़र में आते ही लोगों ने बीच में बोलना शुरू कर दिया प्रिंस आपके पार्टनर तो है ही फिर दूसरों की बातों में आने वाले लेकिन इसी एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर का यहाँ पे जो हो रहा है ना थर्ड पार्टी के साथ इसी एनर्जी की वजह से अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में तो रहेंगे नहीं क्योंकि उनके ना उनका जो ईगो है उसको हर्ट कर रही है थर्ड पार्टी वो हर्ट हो रहा है वहां पर उनका ईगो और ईगो की वजह से ही आपके पार्टनर ने दूसरों की बात मानी कि अरे तो जरा सा भी झगड़ा हुआ आपसे दूरी बना ली अरे तुम तो अच्छा डिजर्व करते हो अच्छी डिजर्व करती हो अच्छा लड़का डिजर्व करती हो और तो बहुत सारा कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ और आपके पार्टनर ने उन लोगों की बात सुनी उन को चूज़ कर लिया लेकिन हम आपके पार्टनर बताए क्या कर रहे हैं जब उनका उनका ईगो हर्ट हुआ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ में तो आपके पार्टनर ने बताया क्या कर रहा है अब आपको ऑफर करने की सोच रहे लेकिन वो आपके पास जब ऑफर लेके आएंगे तो उनका पता है उनका उनका एटीट्यूड ऐसा होगा कि आप उनको हाँ बोलते हैं बस क्योंकि वो तो प्रिंस है और तो प्रिंसेस हैं वो तो बहुत पॉजिटिव हैं बहुत दिखने में लुक वाइज बहुत अच्छे हैं उनके पास सारी चीज़ें अब कुछ हो या ना हो क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अच्छे दिल की बात करते हैं अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं जो इंसान हमें कभी छोड़ कर ना जाए उसकी बात करते हैं उन्हें उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है उन्होंने उन्हें दुनिया की चीज़ों से अच्छा खूबसूरत दिखना इन सब चीज़ों की उन्हें आदत है कहीं ना कहीं ओके तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव होकर आपको ऑफ़र करेंगे और इस एनर्जी के साथ क्या आप उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लें अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते या फिर आप थोड़ा उन्हें वेट करवाते हैं मेरे ख्याल में तो वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ हाँ हर रीडिंग में कि थोड़ा समय लीजिएगा और फिर हाँ बोल दीजिएगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इस रिलेशनशिप के लिए ओके और लेकिन आ, मुझे ऐसा लगता है जब आपके पार्टनर इस इस प्रिंस एंड प्रिंसेस वाली एनर्जी में है ना तो थोड़ा उनसे कहिएगा कि इतने टाइम का गैप हो गया मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए वो चिढ़ जाएंगे वो आपके पीछे पड़ जाएंगे फिर ओके और ये सब चीज़ें होने में ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है फॉर्चून व्हील है यहाँ पर कर्माज रिलीज़ हो रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलने आ सकते हैं कार्मिक्स का एंड हो रहा है बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं आपके और आपके पार्टनर की भी लाइफ में कि लाइफ चेंज होने वाली है आप दोनों की एक दूसरे के साथ आप आने वाले हैं क्योंकि आपके लाइफ में तो जजमेंट होने ही वाला है इस रिलेशनशिप में आपने जो भी नेगेटिविटी देखी थी जितना आप डिप्रेशन में थे जितना ज़्यादा तकलीफ में थे वो सारी चीज़ें ऊपर वाले को पता है कि आपने बहुत कुछ देखा है इस रिश्ते में तो कहीं ना कहीं आपको अभी इस रिश्ते में पॉजिटिव कर देगा आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी जजमेंट होगा आपकी लाइफ एकदम से अचानक से चेंज हो जाएगी ओके okay, यहाँ पर हमारे पास वन ऑफ सन है जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक होने वाले हैं आप दोनों एक हो जाएंगे एक होना मतलब हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ हैं तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे और आप दोनों एक हो जाएंगे अगर आप गर्लफ्रेंड फ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे तो वो हस्बैंड वाइफ अलग कहाँ होते हैं एक ही होते हैं यहाँ पर आप दोनों की फैमिली बन जाएगी और जिनकी फैमिली नहीं मान रही है उनकी फैमिली मानेगी उनके घर का जो सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे पहले आग्री हो जाएगा आपके इस रिश्ते के लिए ओके और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर होगी कि जो इन लॉज हैं आपके वह आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ आज की रीडिंग की है कि आपके पार्टनर की बुद्धि खुल रही है और आपके पार्टनर की खास तौर पर यहाँ पे फैमिली मानते हुए मुझे साफ़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर की फैमिली मान okay? जाएगी और आपकी रिस्पेक्ट करेगी आपकी वैल्यू समझेगी आपके पार्टनर की फैमिली ओके तो देखिए हम एक बार और एनर्जी और निकल देख यूज़ करके कि क्या ही एनर्जीज निकलती हैं आपके पार्टनर की क्योंकि यहाँ पे हमें पता तो चल गया है कि वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं और फुल एटीट्यूड में आएंगे आपके बस कि अब आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर ही लेंगे अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है ओके गाइड हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है उन्हें लेकर ओके okay. ये यंग ये। आता है कार्ड लेकिन बहुत कम आता है ठीक है आप दोनों बहुत प्यारी सी एनर्जी में हो सकते हैं बस हाई वाइब्रेशन में रहना है आपको ओके okay? नेगेटिव नहीं होना ठीक एन वी गॉड में सरेंडर किया है आपके पार्टनर ने आप ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं पॉजिटिव होकर ट्रिपल टू वाह ट्रिपल टू है टू एंड डबल टू ओके यहाँ पर आप दोनों जर्नी में आपको डबल टू डबल टू ट्रिपल टू बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा ओके एनजल ऑफ बैलेंस एंजल बैलेंस लेकर आएंगे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी एंजस में बिलीव करने लगे हैं नंबर फोर्टी एट तो इन सब का कैलकुलेशन देखें हम कैलकुलेट करते हैं तो टू ही निकलेगा तो यहाँ पर फोर और टू आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है और ये एक बहुत प्यारी सी जर्नी को दिखाता है टू ओके आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं इस चीज़ का आपके पार्टनर को एहसास हो गया कि मैं जैसा भी हूँ घमंडी हूँ अपने आप में बहुत कुछ समझता हूँ या समझती हूँ लेकिन मेरे जैसे इंसान को मेरा पार्टनर आ, आ, हैंडल कर सकता है सेकेंड चक्र आर्कल ए रियल आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव तो हो ही रहे हैं खासतौर पर उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आ रही है मुझे लग रहा है कि उनका जो घमंड है ना वो ख़त्म होता तो जा रहा है रियलिटी की तरफ आ रहे हैं हम आपके पार्टनर वुमेन होल्डिंग है कॉइन हम आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक हो सकता है आपको यहाँ आपके पार्टनर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लोग हेयर स्टाइल बनाते होंगे ओके ड्रेसेस भी बहुत अलग तरीके से पहन पें, पहनते होंगे हो सकता है आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हों डांस के ये कुछ क्रिएटिविटी करते हो और अब आपके पार्टनर ना आपको संभाल के रखेंगे खोना नहीं चाहेंगे अब उनकी इस तरीके की एनर्जीज़ है यहाँ पर है द वर्ल्ड आपके पार्टनर के आप विश बन जाएंगे और आपके पार्टनर हर एक इंसान अपने पार्टनर को विश की तरह विश बना लेता है तो वो उस विश को पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है वो आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरा वर्क करने वाला है अच्छे से आपको किस तरीके से मनाना है किस तरीके से आपको वो ऑफर करेंगे बना के वो आपसे हाँ करवा के ही छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो नहीं मतलब हाँ करवा लेंगे आपसे ब्रोकन हार्ट हाँ आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास है ठीक है क्योंकि उनको दुनिया की कुछ सच्चाइयाँ पता चली हैं और उनका घमन मुझे लग रहा है टूटा है कहीं ना कहीं आपका दिल भी टूटा हुआ ही है तो इस एनर्जी से आप बिल्कुल निकल जाइए देखें बिल्कुल निकल जाइए बहुत पॉजिटिव रही ओके ऊपर okay? वाले की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो ये थी आज की हमारी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो पसंद आई है तो हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें हमेशा खुश रहें हमेशा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहें पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जी पर मेल कर सकते हैं जी मेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज बाय बाई टेक केयर गॉड ब्लेस यू